कर्क राशि के जातकों, वर्ष 2021 की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। हम लाए हैं आपके लिए वर्ष 2021 का राशिफल। इस राशिफल में हम आपके जीवन के मुख्य पहलुओं से जुड़ी छोटी बड़ी अनेक भविष्यवाणियां लेकर आए हैं। इन भविष्यवाणियों की मदद से आप जान पाएंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जान पाएंगे कि यह साल आपके आर्थिक मामलों व निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। इतना ही नहीं, आपके लिए हम सरल से सरल उपाय भी बता रहे हैं जिन्हें आप कठिनाइयों व परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रयोग में ला सकेंगे। आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित है, आपकी दशाओं के अनुसार परिणामों में कुछ अंतर हो सकता है। दशाओं आदि के बारे में कुंडली दिखानी हो तो एक बहुत ही छोटी सी फीस जमा करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों, पूरे वर्ष पर्यंत शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न या राशि पर रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि की दृष्टि को ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको वायु विकार परेशान कर सकता है। साथ में बृहस्पति भी नीच का रहेगा, परिणाम स्वरूप उदर व्याधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति साल के कुछ महीने नीच का रहेगा तो कुछ महीने कुंभ राशि में भी गोचर करेगा। दोनों ही स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं कही गई हैं, अतः वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतने का सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। हर काम के लिए थोड़ा सा अधिक समय लेकर चलेंगे तो देर से ही सही, लेकिन काम दुरुस्त होकर आपको प्रसन्नता देंगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कामों में आ रहा धीमापन आपको चिड़चिड़ा बना सकता है, यह भी स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। अर्थात इस पूरे वर्ष आपको संयमित दिनचर्या अपनाते हुए काम करना है, जिससे परिणाम भी अच्छे मिल पाए। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके शिक्षा के लिए कैसे परिणाम लेकर आया है। कर्क राशि वालों, शिक्षा के दो प्रमुख भावों पर विचार करें तो चतुर्थ भाव पर पूरे वर्ष पर्यंत शनि का प्रभाव रहेगा, वहीं पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे। दोनों ही स्थितियां आपको विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने में रुकावट डाल सकती हैं, अतः ध्यान, योग आदि के माध्यम से अपने कंसंट्रेशन को और स्ट्रांग करने की युक्ति लगाएं तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। इस काम में बृहस्पति देव जी आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि साल के कुछ महीने बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपकी अंतःप्रज्ञा को और मजबूत करेंगे। जब आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी तो आप बेहतर कर पाएंगे। वहीं जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए चतुर्थ भाव पर प्रभावी होंगे तो भी उच्च शिक्षा में बेहतरी लाने का जो आपका सपना है वो पूरा होगा। साथ ही साथ उस अवधि में अर्थात 6 अप्रैल से 14 सितंबर और 21 नवंबर के बाद उच्च शिक्षा के साथ साथ विदेश में शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इन तमाम बातों के लिए वही नियम व शर्तें लागू हैं कि आप अपने भीतर विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विस्तार दें, जिससे कि बृहस्पति के आशीर्वाद और स्वयं की मेहनत से आप अच्छे अंक व अच्छी पोजीशन हासिल कर पाएं। आइए जानते हैं कि साल 2021 आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। हालांकि केवल शनि और बृहस्पति के आधार पर आपके करियर का फलादेश करना शायद न्याय संगत नहीं होगा, किंतु मंगल के आधार पर परीक्षण करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपके जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर अलग अलग एक एक वीडियो बनाए जाएं। पूरी कोशिश रहेगी कि हम वह वीडियोस बनाएं और आप तक पहुंचाएं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो अपलोड होने की जानकारी मिल जाए। स्थूल रूप से अगर हम करियर की बात करें तो नया साल करियर के मामले में मिश्रित परिणाम दे सकता है, मिले जुले परिणाम दे सकता है। भले ही दशमेश मंगल अलग अलग भावों में जाकर अलग अलग परिणाम दे, लेकिन दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव का स्वामी शनि सामान्यतः अपने भाव में रहेगा, अतः व्यवसायियों को सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि नौकरी पेशा थोड़ा सा संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन जनवरी से मार्च और 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, अतः लाभ मिलने के योग बनेंगे। वहीं जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेगा तो वह आपके धन भाव को देखेगा। स्वाभाविक है कि लाभ व धन तब मिलता है जब हमारे काम भी होते हैं, तो इन लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर 2021 आपके कार्य क्षेत्र के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है।
आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। पूरे वर्ष पर्यंत शनि आपके भाग्य स्थान को देखेगा और साथ ही साथ कई महीनों तक वह आपके भाग्येश के साथ रहेगा, तो स्वाभाविक है कि भाग्यवशात भी आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आपका भाग्येश बृहस्पति जनवरी से लेकर मार्च तक तथा 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपके लाभ भाव को देखेगा, फलस्वरूप वह आपको लाभ दिलाने का प्रयत्न करेगा। वहीं 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक तथा बाद में 21 नवंबर के बाद बृहस्पति आपके धन भाव पर दृष्टि डालेगा। इन कारणों से आर्थिक लाभ होना चाहिए। हालांकि शुरुआत में बृहस्पति के नीच के होने के कारण धन कमाना सहज नहीं होगा, लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति के गोचर के कारण कुछ धन अप्रत्याशित रूप से भी मिल सकता है। इन तमाम लक्षणों को देखते हुए हम साल 2021 से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वह आपको आर्थिक मामलों में औसत से अधिक परिणाम देगा। आइए जान लेते हैं कि बृहस्पति का गोचर आपके निजी जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, शनि का गोचर पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहेगा, वहीं पंचम भाव में केतु का प्रभाव बना रहेगा। ये तो गोचर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि निजी जीवन में सब कुछ संतुलित बना रहे, इसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। प्रयत्न के रूप में आपको चाहिए कि छोटी छोटी बातें बड़ी ना होने पाए, इस बात की कोशिश जरूर करें। हो सकता है कि जीवन साथी इस वर्ष कुछ हद तक जिद्दी होता हुआ नजर आए, तो उसके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करें, ना कि उससे नाराज हों। वहीं पंचम में केतु की स्थिति को देखते हुए हम यही सुझाव देंगे कि अपनी संतान को लेकर अथवा प्रेमी प्रेमिका को लेकर किसी भी तरीके का संदेह करना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कि उनकी कुछ गतिविधियां संदेहास्पद रहें, लेकिन इस मामले में भी उनके साथ बैठकर उन्हें समझाइश देते हुए अपने साथ जोड़े रखने की जरूरत रहेगी, ना कि उनसे संबंधों में बेरुखी रखना। उम्मीद है इस तरीके से यानी कि इस युक्ति को अपनाते हुए आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। परिजनों और गृहस्थ मामलों के लिए 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक तथा 21 नवंबर के बाद का जो समय है काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। निजी संबंध और पारिवारिक संबंध को लेकर हम एक विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे, जिस पर विस्तार से आपके पारिवारिक संबंध और प्रेम संबंध तथा दाम्पत्य जीवन पर बात करेंगे। हो सकता है कि वह वीडियो आपको कुछ देर से मिले, लेकिन बनाने का प्रयत्न जरूर करूँगा। ऐसे में वह आपका वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिले, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिले। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2021 में यदि कोई परेशानी हो तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि यदि संभव हो तो काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें, शिव जी की पूजा आराधना करें, हर तीसरे महीने के किसी गुरुवार को मंदिर में घी कपूर और आलू का दान करें। तो उम्मीद है आपको इस राशि फल के माध्यम से अपने साल को प्लान करने में मदद मिलेगी और आप बेहतर करेंगे। आप सभी को साल 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। भगवती सबका कल्याण करें। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।